तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने बैंगल्स के कलेक्शंस और ये बैंगल बॉक्स जो कि एक नहीं दो दो है, इसे मैं खुद 4 साल बाद खोली हूँ और आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखें और बने रहें और बहुत सारे बैंगल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। नेक पीसेस के अगर वीडियो देखने हैं तो उसका भी कलेक्शन मैंने शेयर कर रखा है और वो मेकअप बॉक्स भी मैंने 4 साल बाद ही खोला था, तो जाकर उस वीडियो को भी देखें और भर भर के प्यार दें। और कैसी लग रही है मेरी बनाई हुई पेयर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ है मेरे पास दो दो बैंगल बॉक्स जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सभी खोल खोल के दिखाने वाली हूँ। मैंने कितने तो हमेशा ही ये यहाँ पे ऐसे आवाज़ आया करेगा बीच बीच में, बाद में पता चलेगा क्यों आता है। तो ये रहे मेरे बैंगल बॉक्स जो कि मैं 4 साल बाद खोलने वाली हूँ। ऐसे ही मैंने मेकअप बॉक्स भी 4 साल बाद खोला था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो बस अब इसे खोलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या है मेरे बैंगल बॉक्स में। तो खोलना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने कितने सारे बैंगल। तो एक एक रो दिखाना स्टार्ट करती है। तो इसमें हैं करीब करीब सभी लाह वाली चूड़ियाँ हैं ये। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा ही मैंने अपनी शादी में इसके पेयर्स बनवाए थे, ये बहुत ज़्यादा ही हैवी हैवी हैं, बहुत हैवी हैवी चूड़ियाँ हैं। तो ये हैं कुछ इस तरह के, ये इस पर ना कपड़े का वो है, वॉलवेट वाला जो कपड़ा होता है ना वो है। और इसके बाद सबसे प्यारा इधर वाला लग रहा होगा, इस पर ना गुलाब की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, इसका कलर भी बिल्कुल गुलाब गुलाब जैसा ही है। करीब करीब सभी कई सारे ऐसे हैं जो पेयर्स बना के ही रखे हुए हैं। और इस रो में आपको देखने को मिलेंगी सभी कांच की चूड़ियाँ। और ये सभी हैं प्लास्टिक वाली हैं जो कि यहाँ राजस्थान में जो रहता है ना वो वाली, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको उतार कर मैं इसे पहन ली। अब मैं आपको जो सबसे बेस्ट पेयर्स मिले हैं ना वो मैं पहन पहन के भी दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैं लाई हूँ कुछ, तो ये बहुत प्यारा है। और जो मैं वॉल्वेट वाला दिखा रही थी ना आपको, वो भी एक बार पहन के दिखाती हूँ। ये है आगे वाली चूड़ी, इस टाइप की है। तो कई सारे पेयर्स ऐसे हैं जो मैंने सोचा कि आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। एक जो मैं गुलाब की पंखुड़ी वाला कह रही थी वो भी दिखाती हूँ। तो ये सब प्लास्टिक वाली हैं जो कि यहाँ मिलते हैं राजस्थान में, तो इनके ख़राब होने का कोई डर नहीं है। कांच वाली चूड़ियाँ क्या पुराने होने के बाद ना अपने आप ही चटकनी शुरू हो जाती हैं, तो मैं इसलिए कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनूंगी, टूटने फूटने का डर है। बाकी पहन लूँ था। एक ये भी है मेरे पास, ये भी यहाँ की है प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ हैं, इसके ऊपर तो मोती का वर्क है। तो फिर अब खोल लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट बॉक्स को, जिसे कि मैंने शायद उल्टा ही खोल दिया। इस वाले में ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं है, बट जो इसमें मेरी फेवरेट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ पहन के। ये चूड़ी है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट,
बिल्कुल मल्टी कलर की है ये चूड़ी, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है और इस वजह से मैंने ये पहन के दिखाया। और एक ये है लाह की चूड़ी है, तो ये भी मैं बहुत पहना करती थी। बहुत सारे हैं चूड़ियाँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये चूड़ियाँ पड़ी रह जाएंगी, इससे अच्छा है कि एक दो पहना करूं। इसको मैंने ज़रूरत से ज़्यादा फुल फुल करके रखा है, एक को मैंने बिल्कुल खाली ही रखा है। तो मैं करने जा रही हूँ कि सारे जो कांच की है ना उनको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ।